हेलो जी, राम राम साहब, स्वागत है आपका रहस्य कार चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रेंज रोवर। अरे भाई, रेंज रोवर नहीं है तो क्या है? ब्रीजा है। अच्छा, ब्रीजा है क्या? तो भाइयों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सस्ती रेंज रोवर जिसका नाम है ब्रीजा। ये है हमारे पास में सेकेंड जनरेशन की जो ब्रीजा आई है 30 जून 2022 में, ये अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली। ये है सेकेंड जनरेशन ब्रीजा जो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आती है। और इसका हमारे पास जो है आज VXI का वेरिएंट खड़ा हुआ है। इसके जस्ट जो डाउन वेरिएंट आता है वो है इसका LXI का वेरिएंट, और इसके अपर के जो वेरिएंट आते हैं वो ZXI और ZXI+ वगैरह आते हैं। इसकी अगर पर्टिकुलर VXI वेरिएंट की अगर बात कर ले तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो अराउंड पड़ती है अपन को 9,46,000। तो चलिए फटाफट से आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में जो है ऑफर करती है। पर्टिकुलर VXI जो वेरिएंट जो आता है इसमें कोई भी एक स्मार्ट की नहीं आती। आपको जरूर सेंट्रल लॉकिंग के हिसाब से आपको ये फिजिकल की दे जाती है, जिस पे आपको दो स्विच मिल जाएगी लॉक करने का और अनलॉक करने का। चलिए फटाफट से हम गाड़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्रोजेक्टर के फॉर्म में हैलोजन बल्ब दे रखे हैं इनके अंदर एक, और यहाँ पे जो पार्किंग लैंप है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, ये दोनों भी जो है हैलोजन के अंदर मिलते हैं। और ये जो है आपको प्रोजेक्टर के फॉर्म के अंदर दे रखा है। यहाँ से चालू होती है पूरी लाइट की यूनिट और यहाँ पे ऑल ओवर दी यहाँ तक आती है। यहाँ पे कोई भी आपको DRL नहीं मिलता है। इसके जो अपर वेरिएंट आते हैं उसमें आपको जरूर DRL का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे फॉग लैंप्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से एसेसरी के फॉर्म में फॉग लैंप लगवा सकते हो, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो है फॉग लैंप आपको कंपनी लगवा के नहीं देती है। इससे जो अपर वेरिएंट आता है ZXI और ZXI+ का, उसमें आपको जरूर जो है कंपनी आपको फॉग लैंप्स लगवा के देती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रोम की फिनिश मिल जाएगी जो गाड़ी को काफ़ी सुंदर बना देती है। यहाँ पे आपको कंपनी का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये ग्लॉसी एकदम पियानो फिनिश दे रखी है, जिसके कारण जो पूरा जो गाड़ी का जो ये बात करते हैं ये पूरा जो पोर्शन है ये पूरा हमको ब्लैक फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी यही सेम चीज़ें मिलती है आपको। ये बड़ा सा आपको हुड देखने को मिल जाएगा गाड़ी का। अगर वाइपर की बात करें तो वाइपर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में दे रखा है वाइपर को। और इनके अंदर जो वॉशर्स आते हैं वो दो वॉशर आते हैं जो इंटीग्रेटेड किए गए, एक यहाँ पे किया गया एक वहाँ पर किया गया। यहाँ पे आपको कोई भी रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह इस समय इसमें नहीं मिलेगा। इसके जो अपर वेरिएंट आते हैं उसमें आपको जरूर रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो फेंडर पर आपको कोई इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। इसके इंडिकेटर जो है वो IRVM के ऊपर डाल रखा है, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है आपको। और दूसरी बात के लिए टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो है इस गाड़ी की वो मिलेगी आपको 215/60R 16 इंच का आपको टायर मिलता है विथ व्हील कैप। इसमें कोई भी अलॉय का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका जो अपर वेरिएंट आप लेने जाओगे तो उसके अंदर जो है आपको अलॉय का ऑप्शन मिलेगा। पीछे जो है स्टील रिम देख ही पा रहे हो आप, और ये व्हील कैप मिलते हैं साथ में। यहाँ पे आ जाओ तो बड़ी बड़ी सब क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी जो ऑल दी वे गाड़ी के पीछे तक जाती है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये भी इस गाड़ी के अंदर VXI पर्टिकुलर वेरिएंट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जो लोअर वेरिएंट आता है उसके अंदर जो है ये क्लैडिंग भी आपको इवन देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें तो आपको बड़ा सा ORVM देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई भी 360 डिग्री का कैमरे का फंक्शन नहीं आता। जरूर आपको कंपनी पीछे एक जरूर कैमरा लगवा के देती है। इसके जो अपर वेरिएंट आता है उसमें आता है आपको 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन। यहाँ पे ऑल दी वगैरह पीछे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो टेल लाइट्स है देखने को वो आपको LED के अंदर फॉर्म में मिल जाएगी। पूरी ऑल दी वे जो है यहाँ तक टेल लाइट आती है, और यही फॉर्म जो है इस गाड़ी का आई थिंक रेंज रोवर बना देता है कहीं ना कहीं जाके। और ये आपको जो बैक लाइट दे रखी है और जो इंडिकेटर दे रखा है ये भी आपको जो है हैलोजन के फॉर्म में ही मिलेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का फंक्शन आता है। यहाँ पर आपको कंपनी की फिर से बैजिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर बड़ा बड़ा सा गाड़ी का नाम लिखा हुआ है ब्रीजा करके। यहाँ पर आपको नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको जरूर कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग रिवर्स सेंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी जो है वाइपर या वॉशर नहीं आता इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, बट हाँ कंपनी जो है इस VXI वेरिएंट के अंदर आपको डीफॉगर जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए तो अब जल्दी से गाड़ी के अंदर जाते हैं फटाफट से। अब गाड़ी के अंदर का आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। जो ये आ चुके हम लोग गाड़ी के अंदर, जरा इसका मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ एक बार। तो ये अपना इग्निशन ऑन कर दिया गाड़ी का, और आप देख सकते हो इधर आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा, और इस साइड जो है आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इस गाड़ी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है इसके जो ये टॉगल करने के इन तक पहुँचने के जो जरिया है वो बहुत बेकार है। ये आज भी जो है कहीं ना कहीं जो है ये ओल्ड स्कूल की याद दिलाता है। मारुति वालों कम से कम इसको तो चेंज कर ही दो यार अब। बाकी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें, आपको टैकोमीटर बता दिया मैंने, स्पीडोमीटर दिया, बाकी आप इसके अंदर जो है आप यहाँ इधर देख सकते हो टेम्परेचर का बता रहा है, इस साइड जो है आपको फ्यूल गेज का बता रहा है, और बाकी जितने भी जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो सारी आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको साइड में जो है वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाएगी। जरा मैं इसको वापस एक बार ऑन करके ऑफ कर दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो जिस तरह से वार्निंग लाइट्स का आ रहा है पूरा इल्यूमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जो है आपको हॉर्न मिल जाएगा कार का। यहाँ पे जो है स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल मिल जाएगा जो कंट्रोल करते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को पर्टिकुलरली। यहाँ पे आपको नीचे जो है वॉइस कमांड कॉल उठाने और काटने का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। और बात करें तो 3D फॉर्म के अंदर जो है स्टीयरिंग व्हील आता है। इसके अंदर आपको स्टीयरिंग के अंदर आई थिंक टिल्ट का ऑप्शन है, और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर खाली टिल्ट का ऑप्शन आएगा। जो टेलीस्कोपिक का ऑप्शन है वो आपको इसके अपर वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच। यहाँ पे आपको जो है हेडलाइट लेवलिंग का
एडजस्टर मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें हम डोर की, तो डोर के अंदर जो है आपको बिल्कुल ये कोई ब्रश फिनिशिंग नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, ये आपको ब्लैक के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगी, यहाँ पे जो है गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ये विंडो लॉक करने का और रियर विंडो लॉक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो है आपको फोल्डेबल जो है इस गाड़ी के अंदर आपको IROM देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो यहीं और यहाँ से ही पूरे जो है इनको आप अच्छे से बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको इसके दिन देखने मिल जाएगी। दूसरा जो है इस गाड़ी की बात कर लें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जो है इसका अपर वेरिएंट आता है तो उसमें जो है वो एक और ही स्मार्ट तरीके का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये वही पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो हमको बैलेनो के अंदर देखने को मिलता है, एर्टिगा के अंदर देखने को मिलता है, इवन जो पुरानी ब्रीजा आती थी उसके अंदर देखने को मिलता है। तो VXA वेरिएंट के अंदर जो है आज भी सेकंड जनरेशन के अंदर जो है वही इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। तो इसके जो अपर वेरिएंट है उसमें जो आपको जो है नया इंफोटेनमेंट जो स्मार्ट प्रो प्ले बोलते हैं मारुति वाले वो दिया गया है उसके अंदर। बट हाँ इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, जैसे कि कितना माइल कितनी रेंज बची है गाड़ी, क्या माइलेज निकाल रहे हो आप इसके अंदर। आप इवन आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो है ये भी USB के थ्रू जो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आओगे तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जा सकते हो जिसपे डिस्प्ले डेट एंड टाइम व्हीकल अलर्ट लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग स्क्रॉल थ्रो स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल सिक्योरिटी सिस्टम इन्फॉर्मेशन रीसेट टू फैक्ट्री, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है पूरी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा कोई फैंसी इसमें है नहीं, जो बेसिस जो नेसेसिटी है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, कोई इशू नहीं है। नीचे आते तो नीचे की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ऑटोमेटिक जो क्लाइमेट कंट्रोल आता है उसका ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अरे यार फैन तेज हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ से आप जो है यहाँ से आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से जो है आप टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको हजार लाइन लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको AC वेंट दे रखे हैं, वहाँ पे भी आपको 4 AC वेंट टोटल मिलेगा और 2 AC वेंट जो आपको पीछे की साइड में मिल जाएंगे। अगर हम ऑल दी वे आपको लग रहा होगा इस गाड़ी का प्रीमियम इंटीरियर हो गया, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो सिल्वर लाइनिंग देख रहे हो ना ये ऑल दी वे इस गाड़ी को यहाँ से लाकर यहाँ तक लाती है, जो आगे तक नहीं दे रखी है। इवन ये थोड़ा वियर्ड पोर्शन लग जाता है इसकी वजह से, बट यहाँ तक दे रखी है। इसी की वजह से जो है गाड़ी का इंटीरियर जो काफ़ी निखर के आता है। तो आपको बाकी डैशबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगा से दिखेगा आपको और पूरा ब्लैक में दिखेगा, और इसकी वजह से सिल्वर लाइनिंग जो आई है काफ़ी प्रीमियम बना देती है इस गाड़ी को अंदर से। यहाँ पे बात करें तो हमको डे नाइट का जो है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल मिल जाता है, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा और ये काफ़ी सॉलिड फॉर्म में है इवन। और तो क्या बचा है इस गाड़ी का, हाँ यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा विदाउट लाइट, और यहाँ पे आपको जो है वो टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया जाएगा आपको। दूसरी बात करें तो तीनों पैसेंजर साइड में जो है आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगी, सिर्फ जो है ड्राइवर साइड के अंदर कोई आपको ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात करें ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स जो है वो भी डिसेंट सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, है जरूरी बहुत मोटा, पर कोई भी कूलिंग या लाइटिंग वाइटिंग इसके अंदर नहीं है। आप छोटी सी एक दो बोतल इसके अंदर रख सकते हो, इवन आप गाड़ी का इसके अंदर मैनुअल जो है वो रख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है आपको चाबी अभी गाड़ी की रखने की या भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ जो है आप इसी रख सकते हो, ज़्यादा रख नहीं पाऊंगे क्योंकि जब हैंड ब्रेक आप नीचे करोगे तो वो ऑल दी वे नीचे आ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है दो बोतल रख सकते हो आप 1 लीटर की इजीली, कोई इशू नहीं होता इसमें। यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा स्पेस और दे रखा है। बाकी जो बात करें हम इसकी सीट्स की, तो सीट्स की कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, इसकी भी फैब्रिक विनाइल पॉलिस्ट्री में इसकी सीट्स आती है आई थिंक। बाकी आपको जो है गाड़ी के अंदर जो है चार स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, जो वो देख रहे हो आप स्पेस दोनों तरफ वो ट्यूटर के लिए दे रखा है, बट वहाँ पे एक्चुअली ट्यूटर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको स्पेस दे रखा है ट्यूटर का। इसके जो अपर वेरिएंट आता है उसमें आपको जरूर देखने को मिल जाएगा ट्यूटर का ऑप्शन भी। तो यही था आगे की साइड से तो गाड़ी के अंदर ऑल द वे, कुछ रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब जरा मैं इस सीट को मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और जल्दी से हम पीछे जाते हैं और पीछे का आपको जो है लेगरूम दिखाता हूँ कि पीछे कितना स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। ये आ गए हैं पीछे की साइड में और भाई साहब भरपूर जो है इसके अंदर जो आपको लेग रूम देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा लेग रूम है इस गाड़ी के अंदर। इवन थाई सपोर्ट भी जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है पिछली बार की गाड़ी के मुकाबले तो। और अगर बात करें सामने बैठा कोई 5.5 फीट का बंदा और पीछे भी 5.5 फीट का ही बैठ जाएगा तो भी कोई उसको इशू नहीं आएगा। इवन बहुत ज़्यादा जो है इसका हेडरूम दे रखा है अपर की साइड में, लेग रूम तो बहुत सारा हो ही गया। इसके पर्टिकुलर VXA वेरिएंट के अंदर जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, चारों आपको जो है हेडरेस्ट जो हो गए आपको वो एडजस्ट कर सकते हो इजीली। हाँ इसमें एक जरूर कमी है, वो यहाँ पे एक आर्म रेस्ट नहीं दिया जाता है, बाकी तो इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फटाफट से, यही था सारा गाड़ी के अंदर। हाँ आपको पीछे जरूर AC वेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चार्जिंग करने का ऑप्शन मिलता है बट इसमें पर्टिकुलर वेरिएंट में आई थिंक आता नहीं है, इसके जो अपर वेरिएंट है उसमें आपको दिया जाएगा, पर जरूर 2 AC वेंट जरूर दिए जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो 1 लीटर की बोतल का स्पेस आपको मिलता है पीछे की साइड में, इवन आपको इस साइड भी 1 लीटर की बोतल का स्पेस मिलेगा। और बस इसके अंदर और तो कुछ है नहीं, और 4 स्पीकर का आपको सेटअप इधर देखने को मिल जाएगा, एक इधर एक उधर दो आगे इधर दे रखे हैं।
अब हम दूसरी बात करें गाड़ी का, ये आपको पीछे का पोर्शन में बता ही चुका पहले से। अगर सस्पेंशन की बात कर ले गाड़ी की, तो गाड़ी के सस्पेंशन जो है आगे जो दे रखा है आपको वो तो दे रखा है MC फैशन स्टड सस्पेंशन, और पीछे जो है आपको टॉर्शन बीम सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। दोनों टायर जो आते हैं रियर के और फ्रंट के, उनकी प्रोफाइल सेम है, आपको मैंने बताई दी, वो प्रोफाइल 2 15 60 R 16 के पड़ती है। और ब्रेक की बात करें तो आगे डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएंगे। अब चलो जल्दी से इसके बूट स्पेस की बात करता हूँ मैं। बूट स्पेस के लिए आपको नीचे यहाँ पे जो है एक स्विच देखने को मिल जाएगा, जिसको आप प्रेस करोगे तो जो है ये बूट अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको 328 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, इवन खूब बड़ा है ये। शायद आई थिंक पहली जो गाड़ी आती थी उसके अंदर भी शायद इतना ही बूट स्पेस आता था, हमको आइडिया नहीं हो इसका, बट हाँ इसका जरूर 328 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा है। फोल्डिंग की अगर सीट के बाद 30-40 या 40-60 ऐसा कुछ भी नहीं है, फुल्ली फोल्डिंग जो है आपको सीट्स मिलती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीचे जो है आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा, ये भी सेम जो चारों टायर आते हैं उसी प्रोफाइल का है, कोई भी इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। स्टील रेम के अंदर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको छोटा सा जरूर एक हुक प्रोवाइड करा रखा है, जहाँ पे आप कुछ भी आई थिंक इसमें कितना केजी लगा सकते हो वो तो लिखा हुआ नहीं है, बट आई थिंक 2 से 3 kg इसके अंदर आप इजीली कुछ भी टांग सकते हो। यहाँ पे कोई भी लाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जरूर ऑप्शन जरूर दिया हुआ है बट लाइट आती नहीं है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और इस साइड भी जो आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे अगर बात करें तो प्रॉपर इसके अंदर फिटिंग करी गई है, और यहाँ पे जो है ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसको पकड़ के आप इजीली डिक्की को बंद कर सकते हो। अगर आते हैं तो आपको जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है, अराउंड 48 लीटर का जो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी आती है और मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। अब चलो फटाफट से मैं आपको इंजन के बारे में दिखा लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से एक चीज़ भूल गया आज, वो ये था कि यहाँ पर भी आपको जो है 1 लीटर पॉट डालने का ऑप्शन मिल जाता है इजीली, और यहाँ पे बहुत आप अच्छे खासे कुछ भी चीज़ें रख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये का ये सेम स्पेस आपको उधर देखने को मिल जाएगा। चलो आपको इंजन में दिखाता हूँ मैं। ये जो है आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, अराउंड 1462 cc का इसका इंजन आता है, जो आपको 101 BHP की पावर निकाल के देगा और 136 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर इंसुलेशन दे रखा है, जिसके कारण कार की जो नॉइस है वो बाहर या कैबिन के अंदर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इवन पेट्रोल इंजन है तो काफ़ी साइलेंट इंजन है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। गाड़ी की हम लोग डायमेंशंस की बात कर ले तो गाड़ी की चौड़ाई जो है वो हमको अराउंड मिलती है 1790 mm की चौड़ाई मिलेगी। हाइट की अगर बात करें तो गाड़ी की हाइट आपको देखने को मिल जाएगी 1685 mm की, और अगर लेंथ की हम लोग बात करें तो लेंथ हमको देखने को मिल जाएगी अराउंड 3995 mm की आपको लेंथ देखने को मिल जाएगी। तो ये था मेरा टोटल रिव्यू VXI वेरियंट, पर्टिकुलर जो न्यू जनरेशन की ब्रीजा है उसके अंदर। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो साथ में। जय हिंद, थैंक यू।